हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जो भी मैं कहना चाहूँ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम रोहन है। मेरी फैमिली वालों ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया है। बहुत गर्मी है यहाँ, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। पूरे शरीर से पसीना छूट रहा है। मेरे साइकाट्रिस्ट ने कहा मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। मैं हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहता हूँ। मुझे ही नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद ये लोग मुझे पागल खाने बेचने वाले हैं, पर मैं पागल नहीं हूं। खैर, आप यहां हैं मेरे साथ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप यहां नहीं होते तो मैं बोर हो जाता। आपने मेरा साथ दिया, इसीलिए आपका शुक्रिया। चलिए मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूं, कैसे मैं यहां बंद कमरे में कैद हूं, क्यों ये लोग यहां से जाने नहीं दे रहे। ये सब बात आपको मैं बताना चाहता हूं। सुनाता हूं मेरी आत्मकथा। मुंबई शहर, सपनों का वो शहर जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। मेरे पापा भी राजस्थान से कई सारी उम्मीदें लेकर मुंबई आए थे। वो चाहते थे कि हमारी लाइफ अच्छी हो, हम पढ़े लिखे और कुछ बने। उनकी यही सोच की वजह से मुझे लेकर उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। वो हर छोटी छोटी बात पे मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी बोर्ड की एग्जाम थी। मेरी बोर्ड की एग्जाम को लेकर मेरे पापा की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी। उनको लगता था कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आगे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, पर मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत तनाव में आ गया था। पूरे साल जितनी भी पढ़ाई की थी वो सब मैं भूल गया था। एग्जाम के अगले दिन मैं गहरी सोच में पड़ गया था। बस यही सोचता था कि पापा क्या सोचेंगे। मुझे किसी ने भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे डांस करने का बहुत शौक था। मैं एक डांसर बनना चाहता था, पर पापा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एग्जाम के अगले दिन मैं ये सोच सोच के परेशान हो गया था कि पापा की उम्मीद पे अगर मैं खरा नहीं उतरा तो पापा को कैसा लगेगा। आखिर उन्होंने बहुत मेहनत करके रात दिन एक करके हमको पढ़ाया था। उस दिन शाम को मैं कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ गया था, तो मुझे घबराहट सी होने लगी थी और पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल मेरे बॉडी से अभी बाहर निकल जाएगा। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं एग्जाम के अगले दिन घर छोड़ के भाग गया। मैं वहां से सीधा शांति की तलाश में समुन्द्र के किनारे जाके बैठ गया, पर वहां भी उतना ही शोर शराबा था कि मैं चैन से बैठ ही नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद मैं बैठे बैठे बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होने के बाद वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहां आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस मुझे वहां से मेरे घर लेके आ गई। इस तरफ मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे, तो जब मैं घर लौटा तो उन्होंने राहत की सांस ली। दूसरे दिन सुबह मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने नॉर्मल प्रॉब्लम ही बताई और मुझे घर लाया गया। दो तीन दिन के बाद
मैं जब ठीक हुआ तो मेरे पापा मुझसे नाराज थे। मैंने अपना कैरियर खत्म कर दिया था। पापा ने मुझे बुलाकर कहा, तू पढ़ाई नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, तू आज से शर्मा जी की दुकान पे काम करेगा। मैंने पापा को कहा, मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ, डांस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, तू नचनिया बनेगा क्या? मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा बेटा नचनिया है, नाच करता है। पापा की यह डांट सुन के मैं खामोश रहा और चुपचाप शर्मा जी की दुकान में काम करने लगा। मैंने अपने अरमानों को त्याग दिया था। मुझे डांसर बनने के सपने बहुत आते थे, यह सपने मुझे सोने नहीं देते थे। मैं शर्मा जी की दुकान पे काम जरूर करता था पर मन से नहीं, मुझे अंदर से ही घुटन सी हो रही थी। एक दिन मैं शर्मा जी की दुकान पे काम कर रहा था तो मुझसे कांच का ग्लास टूट गया। मैं बहुत घबरा गया था और वहां से भाग गया और अपने घर पे आ गया। अपने घर पे आके मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और सोचने लगा, शर्मा जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पापा को अगर पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। ये सब सोचते सोचते शाम हो गई और जब पापा घर पे आए तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, तू शर्मा जी की दुकान से भाग के घर पे क्यों आ गया था? मैंने पापा को पूरी बात सुनाई। पापा ने कहा, इतनी छोटी सी बात पे तू इतना चिंतित क्यों हो जाता है? और इसीलिए उन्होंने मुझे डांटा और भला बुरा कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं यहां से भाग जाना चाहता था, पूरी दुनिया से दूर अलग दुनिया बसाना चाहता था जहां कोई ना हो, सिर्फ मैं अकेला हूं। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहां से भाग जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह शर्मा जी की दुकान पे जा रहा हूं ऐसा कहके मैं घर से बाहर निकल गया और भाग के बहुत दूर चला गया। देर रात तक घर ना लौटने की वजह से पापा ने शायद शर्मा जी को कॉल किया, पर शर्मा जी ने कहा कि मैं तो दुकान पे आया ही नहीं हूं। फिर मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने पुलिस की मदद ली और मुझे फिर से एक बार ढूंढ निकाला। किसी ने पापा को साइकेट्रिस्ट की मदद लेने की सलाह दी, फिर मुझे साइकेट्रिस्ट के वहां ले जाया गया। वहां जाके मुझे मालूम पड़ा कि मुझे एंग्जाइटी नाम की बीमारी है जिससे मैं छोटी छोटी बातों पे कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता हूँ। मुझे घबराहट भी बहुत होती है और पसीना भी बहुत ज्यादा आता है। साइकेट्रिस्ट को मिलके जब मैं घर पे लौट रहा था तो पापा मुझसे प्यार करने की वजह मुझे डांटने लगे, मुझ पे बहुत गुस्सा हुए। उनको नहीं मालूम था कि ये बीमारी आखिर होती क्या है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझे फिर से घबराहट सी होने चालू हो गई थी। पापा की डांट की वजह से पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था तो मैं वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं भाग रहा था तो सबने मिलकर मुझे पकड़ लिया और यहां कमरे में बंद कर दिया। यहां बंद कमरे में मुझे घुटन सी होने लगी, मैं बहुत घबरा रहा था, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं बहुत चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। ऊपर से उन्होंने कहा, वो मुझे पागलखाने भेजने वाले हैं। मैंने कहा, मैं पागल नहीं हूं, आप लोग मुझे पागलखाने क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद आप यहां आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मेरी मन की बात की तो मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मैं आखिर क्या चाहता हूं, मेरे क्या सपने हैं, मेरी क्या ख्वाहिश है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ,
बस ये लोग मुझे पागल खाने भेजने वाले हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। अगर आप कहेंगे तो वो शायद वो मान जाएंगे। अरे आप लोग यहाँ क्यों आए अंदर? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पागल खाने क्यों ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। अरे अरे आप तो कुछ बोलो। अरे मुझे बचा लो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पूरी दुनिया में आज हर चौथा व्यक्ति एंग्जाइटी से पीड़ित है। उनमें से 62% महिलाएं हैं जो यह डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। अगर आपकी फैमिली में से किसी को यह डिसऑर्डर है तो हो सके उतना उनका हौसला बढ़ाए रखिए। एंग्जाइटी से पीड़ित व्यक्ति की भावनाएं समझें और उनको इतनी केयर करें कि उन्हें पता ही ना चले कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी भी है।